सभी को जोहार साथियों, सभी को नमस्कार। तो हम लोग इससे पिछले वीडियो बना चुके हैं क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का साइंस का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। इस बार हम लोग लेके आए हैं क्लास सिक्स का ही है, ज्योग्राफी का, भूगोल का है। तो देखिए, इसमें हम लोग भूगोल का पहला चैप्टर है सौरमंडल और पृथ्वी। तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि इसमें क्या क्या सीखना है। तो इसमें हम लोग को सीखना है, आपको खगोलीय पिंड के बारे में सीखना है, फिर बाद में तारा के बारे में सीखना है। इसी प्रकार आप नक्षत्र मंडल के बारे में सीखिएगा, ध्रुव तारा के बारे में सीखिएगा, पूर्णिमा के बारे में सीखिएगा, अमावस्या के बारे में सीखिएगा। तो ये सब इस बुक का की पॉइंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप जब भी आप आकाश में देखेंगे दिन में, तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा सिवाय सूरज की रोशनी के। अगर धीरे धीरे आप देखिएगा तो रात होगा, तो रात में आप देखिएगा तो धीरे धीरे आपको एक तारा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे वहाँ दिखाई देगा। इस तरह से धीरे धीरे तारा टिमटिमाते आपको बहुत सारा तारा दिखाई देगा। तो फिर बाद में आप देखिएगा तो रात में आसमान बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपको एक चंद्रमा भी दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग सीखते हैं पहले कि पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो जिस रात में पूरी तरह से चंद्रमा गोल रहता है, या बोल सकते हैं उसका आकृति पूरी तरह से गोल रहेगा, उसी रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णिमा हो गया फ्रेंड्स। आप देखिएगा अगला इसमें की पॉइंट है एनसीईआरटी में अमावस्या के बारे में बोला गया कि अमावस्या क्या है। तो अमावस्या जो होता है फ्रेंड्स, पूर्णिमा के जस्ट 15 दिन बाद आप देखिएगा तो जो भी परिवर्तन होता है चंद्रमा की आकृति में, उसी रात को हम लोग बोलते हैं अमावस्या। तो अमावस्या में आप देखिएगा पूर्णिमा की रात में आप ऐसे भी देखिएगा तो पूरा रात उस दिन अंजोला टाइप से रहेगा, उजला उजला टाइप से। अमावस्या को देखिएगा तो थोड़ा डार्क अंधेरा टाइप से रहता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अमावस्या हो गया फ्रेंड्स, अब पूर्णिमा हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट है एनसीईआरटी में खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड में देखिए फ्रेंड्स कि सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हुई दिखाई देते हैं, उसे ही हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। तो आप देखिएगा रात में तो आपको सूरज दिखाई देगा, तारा दिखाई देगा, ये सब चमकते हुए नजर आता है। तो ऐसे को ही बोलता है खगोलीय पिंड। तो उसमें देखिएगा हम लोग तो तारे के बारे में सीखते हैं कि तारा क्या होता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, और इस साथ साथ ही बोल सकते हैं कि वो उसका प्रकाश उत्सर्जित भी करता है, तो वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है फ्रेंड्स, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य का भी अपना प्रकाश है, और सूर्य के ही माध्यम से आप जब सूर्य अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसी के माध्यम से आप देखिए तो हम लोग दिन होता है, उसी के प्रकाश से हम लोग दिन होता है, और उसी का प्रकाश को भी की सहायता से आपका देखिएगा चंद्रमा भी लाइट करता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, सूर्य के बाद तारा के बाद देखिए नक्षत्र मंडल। तो आप अगर रात के समय में आकाश में देखेंगे तो आपको इस प्रकार का आकृति दिखाई देगा कि रात्रि में आकाश की ओर देखते हैं तो आपको तारों का एक समूह दिखाई देगा, और तारों के समूह के द्वारा एक विभिन्न मतलब कि विभिन्न प्रकार का आकृति बनाया हुआ दिखाई देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल। इस तरह से नक्षत्र मंडल में आप देखिएगा अर्सन मेजर को ही बिग बियर बोला जाता है। फिर आप देखिएगा सप्तऋषि में आप देखिएगा तो सात तारों के समूह के द्वारा एक आकृति बनाया जाता है रात में, तो उसी को सप्तऋषि कहते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिएगा ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो है प्राचीन समय में आप अपना घर का बुजुर्ग लोग से देखते होंगे तो पूछते होंगे कि बताता होगा उसको कि रात में उत्तर दिशा किधर पड़ता है। तो प्राचीन समय में लोग दिशा को निर्देशित करने के लिए ध्रुव तारा का ही प्रयोग करते थे। तो इसी में दिया गया है कि उत्तरी जो तारा है उत्तरी दिशा को
इंडिकेट करता है, मतलब कि प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से उसी को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को ही प्रदर्शित करता है, या बोल सकते हैं इंडिकेट करता है या इंगित करता है, और यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप ध्रुव तारा को देखें। अब देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में जो 6th क्लास का है उसमें ये भी बताया गया है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना ऊष्मा नहीं होता है, तो ऐसे को ही बोला जाता है ग्रह। तो ऐसे पिंड को ही ग्रह बोला जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ग्रह हो गया आपका पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, मंगल हो गया, ये सब ग्रह में आता है। उपग्रह, तो उपग्रह जो फ्रेंड्स होता है वो होता है कि उपग्रह जो होता है वो ग्रह का चक्कर लगाता है, ग्रह के चारों ओर घूमता है, तो उसी को उपग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी में सौरमंडल के बारे में सीखने को दिया गया है, तो सौरमंडल के बारे में सीखते हैं। तो सौरमंडल में आप देखिएगा तो जितना भी चीज़ है ऊपर में आकाश में जो भी चीज़ देखते हैं सबको मिला दीजिएगा तो सौरमंडल का ही निर्माण हो जाता है। तो उसी में देखिएगा सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, तो ये सब सबको मिला देने से आपका सौरमंडल का निर्माण हो जाता है फ्रेंड्स। इसे हम बोल भी सकते हैं सौर परिवार के नाम से जाना जाता है, और इसका जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इसमें एनसीईआरटी में सिखाया गया है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, मतलब बीच में स्थित है। जो सूर्य बना है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गर्म गोला है। इसका खिंचाव बल इतना रहता है फ्रेंड्स कि मतलब बोल सकते हैं कि अपना इसको बांधे हुए रखा है, सौरमंडल को बांधे हुए रखता है फ्रेंड्स। सूर्य में इतना खिंचाव बल होता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का काम करता है फ्रेंड्स। और बोल सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश से ही जितना भी सौरमंडल का है, जितना भी ग्रह जो होता है, जैसे पृथ्वी ग्रह है, तो सूर्य पर ही आश्रित है, सूर्य का प्रकाश पर ही आश्रित है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि सूर्य जो पृथ्वी से है कितना किलोमीटर दूर है, तो 14,96,000 किलोमीटर। अगर इसको लगभग में बात करें फ्रेंड्स, तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग ये पृथ्वी से सूर्य का दूरी है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपको अगला सिखाया गया है ग्रह के बारे में। आपको ग्रह तो पता ही कि 8 ग्रह, पहले टोटल 9 ग्रह था, तो 9 में से आए को तो हटा दिया प्लूटो को, तो इस प्रकार से 8 हो गया। तो 8 ग्रह, तो उसमें भी आप सूर्य से दूरी के अनुसार देखिएगा, तो सबसे पहले में आएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद प्लूटो आता था फ्रेंड्स। तो अगस्त 2006 में इसको प्लूटो को हटा दिया गया है। फिर आकार के अनुसार आप देखिएगा तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है फ्रेंड्स, कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। आकार के अनुसार घटते क्रम में दे देगा, चाहे बढ़ते क्रम में दे देगा, दूरी के अनुसार भी दे देगा, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। इसका घनत्व भी होता है, तो घनत्व के आधार पर भी दे देगा आपको। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, इसमें एक चीज है दिया गया है कि जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है बुध कितने दिन में लगाता है, तो 88 दिन में लगाता है। इसी प्रकार से आप शुक्र को देखिएगा तो 255 दिन में लगाता है, फिर पृथ्वी को देखिएगा 365 दिन में लगाता है। तो इस प्रकार से ये सूर्य का चक्कर लगाते रह जाता है। तो अब इसमें इतना तक रखते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए। फिर अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।